77 में से 62 सीटों पर जो आम आदमी पार्टी है वो आगे चल रही है, और लगभग तस्वीर जो है इन चुनावी रुझानों को देखते हुए साफ हो गई है। और एक बार फिर से दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को अपने दिल में बसाया है और उनका जादू चलता दिखाया। और ज्यादा ताजा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी कुलदीप के पास हम चलते हैं कि आखिर क्या कुछ अपडेट अभी मिल रहा है कुलदीप इन चुनावी नतीजों को लेकर। एक बात तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी ही सरकार बनाने जा रही है। उनकी तमाम नेता जो हैं वो मंच पर पहुंचकर लोगों को संबोधित भी कर चुके हैं। इस वक्त आपको बता दें पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम थे, उनकी सीट पर लगातार कशमकश बरकरार थी, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है मनीष सिसोदिया जीते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राजेंद्र नगर से राघव चड्ढा, उनकी जीत हुई अब से कुछ देर पहले, मंच पर वो भी बोलते हुए हमें सुनाई दिए। 62 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। महज 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है। कितने भी बड़े धुरंधर हो आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के, वो सब हारते चले जा रहे हैं लगातार। और यह भी बता दें कि क्रांतिकारी तेवरों के साथ केजरीवाल ने जिस तरीके से 2015 के इलेक्शन में 67 सीटें जीती थी, उसी तर्ज पर 62 सीटें जीती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। और उसी तर्ज पर पिछली बार 54% वोट प्रतिशत हासिल हुआ था आम आदमी पार्टी को, लगभग उतना ही वोट प्रतिशत हासिल हुआ है आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से।